चलिए अब एक और अपने स्टूडेंट से मिलवाता हूं, अमिताभ राय जिसका नाम है और इनकी ऑल इंडिया रैंक 106 है। तो सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की। और अमिताभ राय जो हैं वो दार्जिलिंग के पास एक छोटी सी जगह है, वहां से हैं, वो आपको अपने पूरी भविष्य पूरा अपना सक्सेस जर्नी बताएंगे। तो अमिताभ सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको बधाई, और मैं चाहूंगा कि आपकी लाइफ की जो सक्सेस जर्नी है, आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं क्योंकि आप बहुत दूर के हैं और आपने ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ाई की, एक इतना अच्छा रैंक अचीव किया, तो आपकी लाइफ की सक्सेस जर्नी क्या। अच्छा एक और बात बताना चाहूंगा कि इस बच्चे ने फाइनल ईयर के साथ ही ये 104 रैंक अचीव की है। हाँ सर, हेलो गाइस, आई एम अमिताभ राय, आई एम फ्रॉम जलपाईगुड़ी, ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट बिहाइंड दार्जिलिंग। सो मैंने पहले सीएफ स्टडी से मैं फिर ये कोर्स खत्म किया था, लेकिन सर बाद में मैं एग्जाम जब देने लगा तो मार्क्स बहुत कम आ रही थी, मतलब 1000 में 100-200 ऐसे मार्क्स आ रही थी। तो सर मैं फिर आपका मीम सेट सॉल्यूशन देखा, यूट्यूब में सर्च किया तो आपका चैनल आया सर, फिर तो देखा देखा तो फिर कुछ सॉल्व किया था, तो फिर सर आप तो फिर मैं इम्पिटस से ज्वाइन किया, फिर ज्वाइन किया तो फिर मैंने फिर भी आपके साथ टेस्ट सीरीज के एग्जाम दे रहा था, फिर भी मेरे से मार्क्स नहीं उठ रहा था। तो फिर मैंने आपका कॉल किया था, तो सर मैंने बोला था कि कैसे ये सर इम्प्रूव करे, तो सर आपने बोला था कि मेरा पिछला जो वीडियो है वो देखो और मेरा जो अभी अभी का जो मैं करेंट जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ वो उसको थोरोली पढ़े और पिछला जो वीडियो वो देखे, और एक साथ वो प्रीवियस ईयर का सॉल्व करे, प्रीवियस ईयर सॉल्व और मॉक का सॉल्व, मॉक एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो फिर मैं सेल्फ स्टडी किया था, तो फिर तो तब तो मार्क्स नहीं आ रहा था, लेकिन सर मैं जब एनालिसिस शुरू किया था तो फिर स्लोली स्लोली मार्क्स इंक्रीज करने लगा। तब सर और आपका जो इम्पेरस का जो टेस्ट सीरीज है उसके साथ मैं ज्वाइन किया था, तो जब वो इम्पेरस के टेस्ट सीरीज के साथ ज्वाइन किया था, तो फिर सर जब आप टेस्ट ले रहे थे मॉक टेस्ट, तो फिर उसके रैंक मेरे 21-22 काफी पीछे भी आ रहा था, तो फिर उसके साथ मैं इसे ज्यादा माइंड में नहीं ले रहा था। आप सर बोल रहे थे कि जो एनालिसिस आप ठीक भावे राइट सही तरीके से करिए, तो फिर मैं वो ही किया, और सर बीएचयू में भी सर मेरा उतना अच्छा रैंक नहीं था, तो फिर मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन सर फिर मैं फिर एनालिसिस किया क्या अच्छा है क्या ठीक है, तो फिर मैं नीम सेट के साथ अच्छा रैंक किया। देखिए कितनी अच्छी बात बताई अमिताभ राय ने, जो आपने एक मेन बात बोली कि आप पढ़ाई कर रहे थे पर स्कोर नहीं आ रहा था, देन आप इम्पिटस गुरुकुल से जुड़े, टेस्टिंग में कहां परफॉर्मेंस आई थी वो समझ में आया, टेस्ट में स्कोर नहीं आने के बाद भी मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, जैसे आपने भी एक बहुत अच्छी बात बोली, मैं क्लास में हमेशा बोलता हूं कि जब आप कई सारे पेपर देते हैं रैंक नहीं आती पर एनालिसिस करो और उन पेपर्स को बार बार सॉल्व करो, धीरे धीरे अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा, और देखो वो हुआ भी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जब आपको समझ में आ गया तो आपने समय रहते हुए ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सेल्फ स्टडी से कोई नुकसान नहीं होता, सेल्फ स्टडी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करती, पर हम अगर अपने आप को ये असिस्ट नहीं कर पा रहे कि हम सही स्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, तो ऐसे केस में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, और आपने देखिए अपने आप ही वो किया और उसका आपको रिजल्ट भी मिला। तो आप बहुत मतलब आप जहां से हो जिस एरिए में, उस एरिए में एजुकेशन का क्या मतलब सिनारियो है, मतलब एजुकेशन लेवल कैसा है, बच्चे हायर स्टडी में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जिस जगह के हैं उस जगह के कई बच्चे जो हैं वो आपके सेशन को सुन के जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। हाँ सर, यहाँ पर जाते हैं तो मेरा जो सीनियर है वो आईआईटी में गया था,
इनएटीवी भी मेरा कुछ फ्रेंड्स गया था बीटेक करने के लिए तो फिर यहाँ से जाते हैं लेकिन वो ह्यूज अमाउंट में नहीं जाते हैं। ओके तो ये एक अच्छी बात बताई आपने कि बच्चे कुछ निकलते हैं पर कम निकलते हैं, पर धीरे धीरे जब बच्चे निकलेंगे तो आगे और ये कारवा बढ़ता जाएगा तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है। अब एक बताइए आपका पढ़ाई का रूटीन क्या रहता था क्योंकि आपने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है तो आपका रूटीन क्या लाइफ रूटीन क्या थी रेगुलर? सर फाइनल ईयर के साथ दिया था लेकिन सर मेरा मेन फोकस ये नीमसेट ही था तो फिर मैं जब नीमसेट के लिए स्टडी कर रहा था तो एक एक दिन 8 से 14 घंटे लग जाते थे मतलब ये स्टडी करने के लिए। ओके तो फिर यही मेरा रूटीन था। हालांकि मैं बहुत लेट ज्वाइन किया था इसके लिए ही मैं इतना स्टडी कर मुझे लगा। देखिए कितनी अच्छी बात बोली अमिताभ ने, इसने काफी लेट ज्वाइन किया था। अभी भी जो बच्चे ज्वाइन करते हैं कई बार उनके मन में शंका होती है कि सर हम लेट हो गए इतने समय में कर पाएंगे कि नहीं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ लेट हुआ ये अलग बात है पर अब अगर आपने डबल ट्रिपल मेहनत कर ली तो फायदा होगा। और यही इसने किया, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई की। जब स्कोर नहीं आया बीच बीच में मुझसे फोन पे बात भी की और देखिए एंड रिजल्ट कितना अच्छा है आपका। तो अगर हम कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाते रहें कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें तो ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा रिजल्ट ना मिले। तो एक राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे तो आप सभी का ऐसे ही रिजल्ट आएगा। तो चलिए इस सेशन के लिए बहुत सारा, ये जो आपकी रैंक आई है इतनी अच्छी उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप आगे बढ़ें और साथ में अपने जूनियर्स को भी इसी तरह से जीवन में मोटिवेट करें। थैंक यू। थैंक यू सर, और इसके लिए मैं आपको प्रतीक सर को और मेरे माँ बाबा को और मेरे फैमिली मेंबर्स को बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। थैंक यू सभी। एक्चुअल में एक हमारी जब रैंक आती है तो हर एक का कॉम्बिनेशन होता है, पेरेंट्स का अलग सपोर्ट होता है, टीचर का एक अलग सपोर्ट होता है, फ्रेंड का एक अलग सपोर्ट होता है और ये सब कॉम्बिनेशन अगर पॉजिटिव हो तो हमें डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिलता है जो आपके साथ भी हुआ। चलिए वंस अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।